स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एक न्यू अनाउंसमेंट के साथ आया है। ये जो अनाउंसमेंट है इम्पोर्टेंट है फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस के लिए, एंड अदर पर्सन भी इसको देख सकते हैं कि क्या अनाउंसमेंट आई है। यूडीएन के लिए अनाउंसमेंट आई है। अनाउंसमेंट आईसीए ने बोला है कि काफ़ी सारे ऐसे यूडीएन जनरेट हुए हैं जो अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं हुए हैं। फॉर डैट पर्पज के लिए इन्होंने उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया है। ये जो एक्सटेंशन है वो सीबीडीटी के द्वारा दिए गए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब अनाउंसमेंट को पढ़ लेते क्या है। मेंबर्स आर अवेयर दैट सीबीडीटी वाइड इट्स प्रेस रिलीज ऑन 26 नवंबर 2020 हैज मैंडेटेड द वैलिडेशन ऑफ द यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। मींस दैट सीबीडीटी ने क्या किया था कि अपने पोर्टल को इंटरलिंक कर दिया था आईसीआई के यूडीएन पोर्टल से। इससे क्या हुआ कि जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस हैं अगर वो कोई यूडीएन जनरेट कर रहे थे तो वो उनको अपलोड करना पड़ता था आल्सो इन सीबीडीटी पोर्टल यानी कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो वो क्या करते थे, रियल टाइम पे वेरिफिकेशन करते थे। बट मेंबर्स क्या कर रहे थे कि वो यूडीएन तो जनरेट कर लेते थे पर उसको अपलोड नहीं कर रहे थे, उसको कंज्यूम नहीं कर रहे थे कहाँ पे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे। फॉर दैट पर्पज के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन किया। इन व्यू ऑफ द अबाउ द मेंबर्स आर रिक्वेस्ट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू अपडेट द यूडीएन। उनको अपडेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन दिया टू द 30th June 2020। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी लेके आए हैं, जो हम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अब देखते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जो वो 3 पेज की फाइल है, इनको भी हम देखते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो दिया है व्हाट इज अ यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज नॉट रेलिवेंट। इसमें ये डेट लिखी है कि कब कब से यूडीएन जो इफेक्टिव हुआ है फॉर डिफरेंट रिपोर्ट्स के लिए एंड द सर्टिफिकेट्स के लिए। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, इज यूडीएन मैंडेटरी फॉर अपलोड द ऑडिट रिपोर्ट एंड द सीएट सर्टिफिकेट फॉर्म्स। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है और उसके लिए भी और जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए भी यूडीएन मैंडेटरी है, ये इन्होंने सेकंड में दे दिया। वो कहता है कि इट इज पॉसिबल फॉर अपलोड द फॉर्म विदाउट, कि क्या पॉसिबल है कि हम फॉर्म को अपलोड कर दें और यूडीएन बाद में विदाउट कोर्ट किए हुए। यस इट इज पॉसिबल है, और फॉर्म तुम अपलोड कर सकते हो यूडीएन, तुम 15 डेज का जो उन्होंने टाइम लिमिट दिया आफ्टर दैट तुम उसके बाद भी क्या कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। ये जो 15 डेज का टाइम था इसको बार बार एक्सटेंशन मिल रही है, हर जो इनको बार बार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। ये कहता है ऑन प्रोवाइडिंग यूडीएन, जब तुम यूडीएन पे द फॉर्म सबमिशन पेज डज नॉट ओपन। वो क्या कभी कहता है कि इनके इनकम टैक्स वाले पोर्टल में ना कोई दिक्कत आती है तो वो ना दिखाता नहीं है यूडीएन को अपडेट करने का पोर्स। वो कहता है कि वो बोलते हैं कि मेंबर्स को यह रिकमेंडेशन है कि मेंबर्स पहले फॉर्म अपलोड कर दें, आफ्टर डैट वे क्या कर सकते हैं, वो यूडीएन को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्म हैज़ बीन अपडेटेड विद वैलिड यूडीएन हाउ द स्टेट। वो कहता है कि एक फॉर्म अपलोड किया है उसमें दिखा रहा है कि वैलिड यूडीएन हाउ द यूडीएन स्टेट डैट यू अपडेट यूडीएन, मतलब तुमने फॉर्म अपलोड कर दिया यूडीएन भी अपलोड कर दिया पर वो अब भी क्या दिखा रहा है कि अपडेट करो यूडीएन। तो इसमें कहते हैं कि टैक्स पेयर जब तक वो टैक्स पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा द अपलोडेड फॉर्म द सीए वुड बी एबल टू मॉडिफाई द यूडीएन, तो सीए का जब तक वो मॉडिफाई कर सकता है यूडीएन को। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर ये दिखता है, ये जो सीए का लॉगिन होता है ना इनकम टैक्स का, वहाँ पे दिखता है व्यू और अपडेट डिटेल के अंदर। वो कहता है हाउ टू करेक्ट द एरर इन अ फॉर्म वेयर यूडीएन हैज ऑलरेडी बीन अपडेटेड, ये इंपॉर्टेंट है एफएक्यू। वो कहता है कि तुम किस तरीके से एरर को करेक्ट कर सकते हो जब तुमने फॉर्म ऑलरेडी यूडीएन को क्या कहें ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। तुमने कोई फॉर्म अपलोड किया उसमें यूडीएन भी अपलोड कर दिया पर उस फॉर्म के अंदर कुछ एरर थी, तो उसको किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड, यदि तुमने आइडेंटिफाइड किया एरर आफ्टर द अपलोड ऑफ द फॉर्म, जब तुमने फॉर्म अपलोड कर दिया उसके बाद, प्लीज इंश्योर करो डैट जो ये फॉर्म तुमने अपलोड किया है ये एक्सेप्ट ना किया गया हो किसके द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा, और अपलोड कर दो करेक्टेड फॉर्म विद द सेम यूडीन। मतलब तुम क्या करो, अब जो तुमने जो चेंज करने थे उसको चेंज करो, मॉडिफाई करो फॉर्म को और सेम यूडीन से दोबारा अपलोड कर दो और जो करेक्टेड फॉर्म है वही टैक्स पेयर एक्सेप्ट करे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये एफएक्यू। इसके बाद आता है हाउ टू करेक्ट द एरर इन ए फॉर्म विद वैलिड यूडीएन आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड। अब क्या कह रहा है, कोरस्पोंडिंग जा रहा है कि तुमने भी फॉर्म अपलोड किया और यूडीएन भी डाल दिया और उसके बाद वो एक्सेप्ट भी कर लिया टैक्स पेयर के द्वारा। पहले में क्या था कि टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इफ द मिस्टेक और एरर, इसका आंसर क्या देते हैं, इफ द मिस्टेक और एरर इन द फॉर्म और अटैचमेंट हैज बीन नोटिस्ड, तुमने कब नोटिस किया, जब टैक्स पेयर ने एक्सेप्टेड कर लिया है फॉर्म को जिसमें वैलिड यूडीएन था, देन द प्रोसेस इज ओनली, इसमें अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ जो सीए उसके पास रिवाइजिंग द फॉर्म विद न्यू, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे जब रिवाइज करेगा फॉर्म को न्यू यूडीएन जनरेट करना पड़ेगा और ये दोबारा क्या करना पड़ेगा, और जो पहले वाला यूडीएन था उसको रिवोक करना पड़ेगा और न्यू वाले यूडीएन को जो फॉर्म अपलोड किया जाएगा टैक्स पेयर उसको एक्सेप्ट करेगा।
what will happen if the CA ने अपलोड किया विदाउट यूडीन और फेल्स टू अपडेट यूडीन विद इन 15 कैलेंडर डेज के अंदर. मतलब क्या हुआ कि CA ने एक फॉर्म अपलोड किया और 15 दिन हो गए उसको अपलोड किए, पर उसने क्या किया, उसने यूडीन जनरेट नहीं किया. इस केस में क्या होगा, इस केस में ICA बोलता है कि द फॉर्म अपलोडेड विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड विद ऑल ड्यू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ अट्रैक्टेड. मीन्स इसमें क्या होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोविजन एक्ट के प्रोविजन है कि जो नोटिफिकेशन सर्कुलर को अगर फॉलो नहीं करोगे तो ड्यू कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे सारे. वट विल बी द हैपन टू द फॉर्म अपलोडेड बाय द CA विद यूडीन एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय द टैक्स पेयर. मतलब CA ने एक फॉर्म अपलोड किया जिसमें यूडीन भी था पर वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया टैक्स पेयर के द्वारा. द फॉर्म अपलोडेड विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड, क्योंकि इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि जो भी तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके अंदर तुम्हारा यूडीन होना चाहिए. इफ द फॉर्म डज नॉट कंटेन यूडीन तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा टिल इट इज डेट एक्सेप्ट, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता बाय द टैक्स पेयर के द्वारा. वट विल बी कंसिडर्ड एज द, मतलब डेट ऑफ सबमिशन क्या होगी. डेट ऑफ सबमिशन के लिए इन्होंने विच एवर इज लेटर वाला प्रोविजन दिया. इसमें बोलता है कि जिस दिन टैक्स पेयर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया फॉर्म और यूडीन जनरेट किया गया बाय द CA विच एवर इज लेटर, वट विल हैपन टू द फॉर्म इन केस यूडीन इज रिवोक. अगर यूडीन रिवोक कर लिया जाता है तो वट विल हैपन, क्या क्या होगा. यदि यूडीन क्या है रिवोक किया जाए आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द टैक्स पेयर, मतलब फॉर्म तुमने अपलोड किया और टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट ही कर लिया, तो इसमें क्या गया, जो फॉर्म सबमिटेड किया गया है विद द यूडीन वो क्या माना जाएगा, इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा ऑन द डेट जब तुमने यूडीन को क्या कर लिया है, रिवोक कर लिया है. तो इसमें भी ड्यू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ अट्रैक्ट करते हैं. ये कब कब हो सकता है, देखो पता है कि इंडस्ट्री में कब किया जा रहा है, कोई ऑडिट रिपोर्ट साइन करवाई ऑडिटर से, उसके लिए क्या हुआ उनकी फीस तय, एक फीस रेडी हुई कि यार इस फीस पे हम ऑडिट पे. अब क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है ना वो उतनी फीस नहीं देता, तो मेंबर्स क्या कर रहे हैं, एक दो इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि उन्होंने आफ्टर डैट यूडीन को रिवोक कर लिया है, तो इससे क्या होगा वो रिपोर्ट इनवैलिड हो जाएगी. तो इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा. वट विल बी कंसिडर्ड एट द डेट ऑफ सबमिशन वाला हो गया, अच्छा यूडीन रिवोक किया था उसके लिए भी इन्होंने एक फ्रीक्वेंटली कहा हाउ टू करेक्ट एरर इन अ फॉर्म वेयर द यूडीन हैज नॉट बीन अपडेटेड. किसी फॉर्म के अंदर यूडीन अपडेट नहीं किया है तो उसमें एरर किस तरीके से थे, इन केस एन एरर हैज बीन आइडेंटिफाई आफ्टर द अपलोड द फॉर्म के बाद भी है, इंश्योर करो कि टैक्स पेयर डज नो, मतलब अगर तुमने कोई एरर फॉर्म के अंदर हो गई तो अगर वो जिसमें एरर फॉर्म के अंदर टैक्स पेयर उसको एक्सेप्ट ना करे तो तुम रीअपलोड कर दो फॉर्म को, जो करेक्टेड फॉर्म है उसके अंदर यूडीन वगैरह भी डाल दो और जो टैक्स पेयर उसको बोल दो कि जो सेकंड वाला फॉर्म है उसको एक्सेप्ट कर ले वो. ये सिंपल है. वो कहता है कि कंज्यूम स्टेटस क्या इंडिकेट कर, कंज्यूम स्टेटस इंडिकेट करता है कि यूडीन वैलिड था और जो टैक्स पेयर उसने भी वो एक्सेप्ट कर लिया. एंड कंज्यूम दिखाता है कि CA विद, मतलब यूडीन तो है पर हैज बीन या तो रिजेक्टेड कर दिया बाय द टैक्स पेयर में और रीअपलोडिंग करना है उसको. वो कहता है कि मॉडिफाई वगैरह का ऑप्शन कहाँ पे दिखेगा, अगर हमें कोई यूडीन को मॉडिफाई करना है तो वो तुम्हारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका जो इनकम टैक्स का लॉगिन होगा तो वहाँ पे व्यू और अपडेट डिटेल आती है.